यूक्रेन और नाटो ये दरअसल मानकर चल रहे थे कि लेपर्ड और चैलेंजर जैसे एडवांस टैंक रूसी सेना को बुरी तरह से रौंद कर रख देंगे, लेकिन रूस की टैंक आर्मी ने पिछले 7 दिनों में यूक्रेन के सैकड़ों टैंकों को तबाह कर दिया। इधर रूसी सेना ने ऐलान कर दिया कि यूक्रेन के 800 टैंकों को रूस चुन चुन कर तबाह कर रहा है। और ऐसे हालात में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि तो फिर यूक्रेन रूस को बिना टैंकों से जंग क्या के हराएगा कैसे? सौ टैंक का शिकार कर रहा है रूस। ना तो यूक्रेन को और ना ही नाटो को जरा भी उम्मीद थी कि रूस की सेना नाटो के एडवांस टैंक को जलाकर राख कर देगी। जर्मनी के लेपर्ड 2, ब्रिटेन के चैलेंजर 2 और अमेरिका के अब्रम्स टैंक इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पुतिन के आदेश के बाद से रूसी सेना चुन चुन कर नाटो के टैंक तबाह कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर यूक्रेन के टैंक हमला करने से पहले ही रूस के हमले का शिकार हो रहे हैं। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कुल 800 टैंकों को उनकी सेना चुन चुन कर तबाह कर रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में रूस के टैंक किलर यूनिट यूक्रेन को तबाह कर रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यूक्रेन के टैंक सैनिक जंग में छोड़कर भाग रहे हैं। ये वही यूक्रेनी सैनिक हैं जो सिर्फ 45 से 60 दिन पहले जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन से टैंक युद्ध की जबरदस्त ट्रेनिंग लेकर आए हैं। लेकिन जैसे यूक्रेनी सैनिकों को असली टैंक युद्ध का सामना करना पड़ा, इनके तोते उड़ गए। आगे हम आपको बताएंगे कि रूस की टैंक किलर आर्मी ने यूक्रेनी सेना को कहां कहां भारी नुकसान पहुंचाया है। नाटो के टैंक पर टूट पड़े रूस के किलर। 250 से ज्यादा टैंक अकेले नाटो देश यूक्रेन को दे चुके हैं। ये वो टैंक हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि रूस के T-72, T-80 और T-90 जैसे बेहद ताकतवर टैंक इनके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे में दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या में रूसी सेना ने ऐसा गदर मचाया कि यूक्रेन की टैंक आर्मी जल कर राख हो गई। रूस के दावों के मुताबिक सिर्फ एक हमले में जला दिए 22 टैंक। ज़ापोरिज़्या फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की 50 से ज्यादा टैंकों ने रूसी सेना पर हमला किया। दावों के मुताबिक रूस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूक्रेन के टैंक सैनिक तोड़ना चाहते थे, इसीलिए चारों दिशाओं की तरफ से यूक्रेन अपने और नाटो से मिले टैंकों से एक साथ हमला रूसी सैनिकों पर कर दिया। लेकिन रूसी सेना ने हमले से बचाव करने की बजाय यूक्रेन के टैंकों पर सीधा हमला कर दिया। रूसी सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल और बमों से यूक्रेन के टैंकों पर इतना जबरदस्त वार किया कि देखते ही देखते रूस के हमले में यूक्रेन के 22 टैंक मौके पर ही जलकर राख हो गए। यूक्रेन को 22 टैंकों का ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि यूक्रेन के 10 बख्तरबंद वाहन भी तबाह हो गए। रूस का दावा है कि 22 टैंकों के अलावा यूक्रेन के 100 टैंक सैनिक भी मौके पर ही मारे गए हैं। नाटो के टैंक पर टूट पड़े रूस के किलर। रूसी जनरलों को राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया है कि सितंबर 2023 से पहले हर हाल में पूरे पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाना चाहिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के खूंखार हमलों ने बखमूत, वोलेदार समेत पूरे डॉनबास में भयानक हमलों से यूक्रेनी फौज के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि सिर्फ 30 फीट के दायरे में 1000 से ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ रूस के टैंक यूक्रेन के गांव, शहरों और कस्बों को कब्रिस्तान बनाने पर तुले हैं। जमीन पर रूसी टैंकों के खौफनाक हमले इतने तीखे और जोरदार हैं जिसके सामने यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलें तक कम पड़ गई हैं। हम आपको बताएंगे डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय,
ज़ापोरिज़्या, बखमुत, वोलेदार और लोहांस में रूस के टैंक भारी तबाही झेलने के बाद भी टैंक से कैसे लगातार हमले करते जा रहे हैं। बखमुत और ओदेसा में तो रूस टैंकों से 1820 किलो के गोले सीधे यूक्रेनी सैनिकों पर दाग रहा है। टैंकों की जबरदस्त मारक क्षमता ने ज़ेलेंस्की को बंकर में पहुंचा दिया है। रूसी टैंकों के हमलों से जुड़ी इस हैरान करने वाली जानकारी को जरा आप भी समझिए कि क्यों रूस को टैंक युद्ध में यूक्रेन और नेटो नहीं हरा सकते। इसी को लेकर यूक्रेन की हालत खराब है। 800 टैंक का शिकार कर रहा है रूस। रूस अब 3000 टैंकों से एक साथ पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के पास 10,200 टैंक होने का दावा किया जा रहा है। गूगल मैप से ली गई तस्वीरों के मुताबिक रूस के यूराल पर्वतों पर 19 टैंक बेस हैं, जहां 2,299 टैंक ऊपर से देखे जा सकते हैं, जबकि यूराल जैसे कई और बेस पर रूस के 10,000 से ज्यादा टैंक होने का अनुमान लगाया गया है। दावों के मुताबिक रूस के अभी भी हजारों T-72 टैंक जबकि 3000 T-80 टैंक रूस के पास अभी भी बताए जा रहे हैं। यहां तक कि रूस के पास 200 T-90 टैंक हमले के लिए तैयार हैं। ऐसे हालात में टैंक युद्ध में अब यूक्रेन रूस का मुकाबला कैसे करेगा? дала сама администрация Соединенных Штатов устами своих сотрудников некоторое время назад, когда использование кассетных боеприпасов было названо самой администрацией США преступлением. Вот я думаю, к этому так и надо относиться. इसके अलावा रूसी सेना ने 350 वर्ग किलोमीटर में फैले खार्किव शहर और कस्बों पर ट्रिपल अटैक किया है। 1,00,000 सैनिकों के साथ 900 टैंक के अलावा रूस के तोपखाने ने खार्किव के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। जानकारी के मुताबिक लेमन और कोपियांस में रूस ने 555 तोपों से हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि रूस की रॉकेट आर्मी 370 MLRS रॉकेट सिस्टम से दिन रात हमले कर रही है। खबर के मुताबिक रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी ने खार्किव के लीमन और कोपियांस में यूक्रेनी सेना को तबाह करके रख दिया है। इन इलाकों का रूसी सेना ने वही हाल किया है जो ओदेसा और मिकोलाइव का किया है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия. Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар возмездия. 800 танк का शिकार कर रहा है रूस। रूस के स्टॉर्म जेड हमलों को लेकर यूक्रेन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुतिन ने 1.5 महीने पहले ही कह दिया था कि रूस के 7,00,000 रिजर्व सैनिक जब यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला करेंगे तो यूक्रेन को कोई बचा नहीं पाएगा। रूस ने तो दावा कर दिया है कि उसकी सेना उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन कोपियांस की दिशा में 2 किलोमीटर तक आके बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने पूर्व में बखमुत के पास नई बढ़त हासिल की है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 हफ्तों से यूक्रेन बखमुत से रूसी सेना को खदेड़ नहीं पाया है और अब यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर पुतिन के ट्रिपल अटैक भी शुरू हो गए हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की अभी भी जीत के दावे कर रहे हैं। Дуже чітко, максимально чітко, що російські сили на наших південних та східних землях вкладаються усім, чим можуть, в те, щоб зупинити наших воїнів. І кожна 1000 метрів просування вперед, кожен успіх кожної нашої бойової бригади заслуговує на вдячність. Усі, хто йде на штурм, усі, хто відбиває ворожі штурми, молодці. Я вдячний кожному нашому воїну. पश्चिम देशों के खुफिया एजेंटों के मुताबिक इस वक्त रूस ने बेहद भयानक तरीके से मिसाइल, बम, रॉकेट का उत्पादन शुरू कर दिया है। रूस के टॉप जनरल तक इसी कोशिश में हैं कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए गोला बारूद की जरा भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पुतिन ने 1 हफ्ते पहले ही आदेश दे दिया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर हर 24 घंटे में कम से कम 300 से ज्यादा हमले लगातार होते रहने चाहिए। यही वजह है कि रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में 2000 टैंक, 300 तोप, 150 से ज्यादा रॉकेट ब्रिगेड के साथ हमले शुरू कर दिए हैं। नेटो के टैंक पर टूट पड़े किलर।
ऐसे हालात में भी नेटो यूक्रेन को सिर्फ कम दूरी के हथियार दे रहा है, जो यूक्रेन की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुके हैं। नेटो ने ना तो यूक्रेन को नेटो में शामिल किया है और न ही लंबी दूरी की मिसाइलें, घातक हथियार और F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान दे रहा है। अब ज़ेलेंस्की करें तो क्या करें, क्योंकि उनके सामने पुतिन जैसा एक ऐसा जिद्दी जुनूनी लीडर खड़ा है जो रूस को जिताने के लिए परमाणु युद्ध करने में भी जरा नहीं हिचकेगा। ₹800 टैंक का शिकार कर रहा है रूस। объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно, на эту тему высказывался президент, на эту тему высказались все политические силы нашей страны. Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну это ваша проблема. У нас у самих серьезнейшие сомнения в адекватности. जानकारी के मुताबिक रूस ने 10 दिन पहले ही खारकीव पर स्टॉर्म जेड हमलों की तैयारी शुरू कर दी थी। अब रूस ने अगले 10 दिन में यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करने का प्लान बना लिया है। अब ऐसे हालात में अगर रूस का टैंक युद्ध यूक्रेन को नेटो से मिले टैंकों का सफाया कर देगा, तो फिर यूक्रेन जमीन पर रूस को कैसे खदेड़ पाएगा।